نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे आका ने जबरील अमीन से पूछा क्या जबरील बता तेरी उम्र कितनी है जबरील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह उम्र को तो इंतकादा नहीं लेकिन इतना जानता हूँ एक सितारा 70,000 साल बाद क्लू हुआ करता था वो सितारा मैंने 72,000 साल बाद क्लू हुआ देखा है 72,000 मरतबा देखा है मेरे अक्का ने फरमाया क्या जबरील क्या तू जानता है वो चमकने वाला सितारा कौन था जबरील अमीन ने कहा नहीं यार रसूलल्लाह मैं नहीं जानता वो चमकने वाला सितारा कौन था मेरे आका ने फरमाया कि ऐ जबरील वो चमकने वाला सितारा मैं था वो मेरा ही नूर था तो फिर पता चल गया जब कुछ ना था तो हजूर थे लोह कलम ना था तो हजूर थे जमीन आसमान ना था तो हजूर थे जमीन आसमान ना था तो हजूर थे जमीन की गर्मी ना थी तो हजूर थे पत्थर की सख्ती ना थी तो हजूर थे सूरज की चमक ना थी तो हजूर थे चांद की चमक ना थी तो हजूर थे चांद का उजाला ना था तो हजूर थे सुबह का उजाला ना था तो हजूर थे पत्थर की सख्ती ना थी तो हजूर थे जमीन की गर्मी ना थी तो हजूर थे दरिया का बहाव ना था तो हजूर थे सूरज की चमक ना थी तो हजूर थे जानो दिल ना थे तो हजूर थे शाखों का छुटकाव ना था तो हजूर थे जानो दिल ना थे तो हजूर थे जन्नत और रजा ना थे तो हजूर थे तो फिर पता चल गया इस वक्त एक खुदा था या नूर मुस्तफा थे।